हेलो दोस्तों, यूनिका लाइन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं एमएस वर्ड में डेट और टाइम कहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। अगर डेट और टाइम प्रेजेंट रिसेंट रिसेंटली जो हमारी डेट और टाइम रहेगी उसको हमको क्या करना रहेगा, अपने वर्ड एरिया में वर्क एरिया में हमको इंसर्ट कराना रहेगा, तो कहाँ से इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या ओपन करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद हमको क्या करना है, क्या इंसर्ट कराना है बताइए। डेट एंड टाइम को मंगाना है ना। जब डेट एंड टाइम को मंगाना रहेगा तो हम किस में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? डेट एंड टाइम। अब जो भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए उस डेट और टाइम को क्या करिए, इंसर्ट करा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको ये वाला चाहिए तो इस पे क्लिक करिए। देखिए डेट और टाइम सब आ गया, एएम है पीएम है क्या है सब कुछ आ जाएगा डेट और टाइम। और भी अगर डेट एंड टाइम दूसरे तरीके से मंगाना है तो दूसरे पे क्लिक करिए, इस पे कर दीजिए, देखिए दूसरा आ जाएगा। जो भी आपको डेट और टाइम मंगाना रहेगा वो क्या करेंगे आप, क्लिक करिए और क्या होगा, तुरंत डेट और टाइम इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, और भी अगर मंगाना हो डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। ठीक, ये हुआ हमारा डेट और टाइम। कोई दिक्कत किसी को तो कमेंट करिए। डेट एंड टाइम सब लोग लगा लेंगे, कहीं पर भी मंगाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, हमारा जो भी हम क्लिक करेंगे जो भी सेलेक्ट किए रहेंगे वही हमारा डेट और टाइम आ जाएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।